आई थिंक डायबिटीज एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है और ये एक इंक्रीजिंग हेल्थ प्रॉब्लम है इंडिया में, अनकंट्रोल्ड है, और इसकी वजह से यंग एज में लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, लोगों की उंगलियां या पैर भी कट रहे हैं, एम्पूटेशंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत मेजर उनकी लाइफ स्टाइल में या उनके अर्निंग कैपेसिटी पे बहुत इफेक्ट आ रहा है। तो मेरे हिसाब से जिन लोगों की शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है मेडिसिन लेने के बाद भी, उनके लिए सर्जरी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, एक टाइम ऑप्शन है, बार बार नहीं करना पड़ता, और ये ऐसा रिजल्ट्स हैं कि शायद लाइफ लॉन्ग उनकी शुगर मेंटेन रहेगी। तो डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन 70-90% रिड्यूस हो सकते हैं। सो जिन लोगों की शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, दे शुड सीरियसली कंसिडर कि सर्जरी को के बारे में डिस्कस करें अपने फिजिशियन से, और या वर्कआउट को अप्रोच करें और एक बार अपॉइंटमेंट लेके देखें। वीडियो कॉल्स भी हो सकती हैं अगर आप दूर रहते हैं वर्कआउट से, और वर्कआउट के नज़दीक रहते हैं तो डेफिनेटली आप लोग अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं, वी कैन डिस्कस द वेरियस प्रोज एंड कॉन्स। सर, इसके पूरे जो इलाज के लिए जो ऑपरेशन का जो खर्चा कितना आता है? खर्चा तो अलग अलग डिपेंड करता है, खर्चे को एकदम ऐसा फिक्स कहना बहुत मुश्किल है, बट इट्स क्वाइट रीजनेबल कंपेयर टू कोई हार्ट की सर्जरी से, या उससे रीजनेबल ही है। और अगर ये हम मानते हैं कि अगर 1.5 साल अगर कोई डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट लेता है, उस 1.5 साल के ट्रीटमेंट में इसकी कॉस्ट निकल आती है। सर, खाने में क्या परहेज करना चाहिए? जैसे कि आपने अभी फास्ट फूड की बात कही थी, तो फास्ट फूड खाने से ज़्यादा बढ़ता है, तो लोगों को जनता तक मैसेज आना चाहिए कि हम ये नहीं खाएंगे तो मेरा डायबिटीज़ कंट्रोल रहे। आई थिंक एक अगर ब्रीफ मैसेज है तो ये है कि भाई जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, सबके पास मोबाइल फ़ोन है, सब पे डाटा है, GI फूड देखिए, GI फूड इन इंडियन डाइट, तो जिसका GI इंडेक्स 70 के ऊपर है वो वाले खाने के आइटम अवॉइड करने चाहिए। तो हर आदमी अपने हिसाब से देख सकता है कि हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो मैं आज खाना खाने वाला हूँ उसका कितना है, तो वो 70 के नीचे रहना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें सब लोग जानते हैं, मैदा है, स्वीट्स है, वाटरमेलन है, कलिंगर है, इन सब का, तो बहुत सारी चीज़ें हम मानते हैं हेल्दी है, पर वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए अनहेल्दी है। आपके सभी जो शाखाएं हैं वर्कआउट की, सभी जगह पर ये सुविधा उपलब्ध है? जी हाँ, अब ये सर्जरी सब जगह उपलब्ध है। सर, अपॉइंटमेंट अगर लेना है, अगर जैसे कि किसी को कंसल्टेंसी में मतलब इंक्वायरी करना है, तो किस तरीके से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप? तो कॉन्टैक्ट वोकार्ड की कॉल सेंटर पे कॉल कर सके, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं ना, और वो डेफिनेटली इमीडिएटली अपॉइंटमेंट लेंगे। राइट। सो जैसे डॉक्टर अमन गोयल सर ने पहले बताया कि डायबिटीज़ इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बाय 2030 वी आर गोइंग टू बी द डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। मतलब डायबिटीज़ के ऑलरेडी हमारे पास 11 करोड़ पेशेंट्स हैं, जिनमें से लगभग 77% जो पेशेंट्स हैं इनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है। जब डायबिटीज़ लंबे समय तक आउट ऑफ कंट्रोल रहती है तो ये अलग अलग ऑर्गन को डैमेज करते हैं, जैसे आंखों में रेटिनोपैथी, किडनी में नेफ्रोपैथी, जिससे आगे जाके CKD और पेशेंट के डायलिसिस के भी जाने की संभावना रहती है, पैरों में न्यूरोपैथी, हाथों में न्यूरोपैथी, कार्डियोमायोपैथी जिससे हार्ट डैमेज होता है। तो ऐसे अन्य बीमारियाँ डायबिटीज़ की वजह से साइलेंटली पनपती रहती है, और जब एंड ऑर्गन डैमेज हो जाता है तब ये सामने आती है। सो डायबिटीज़ सर्जरी एक ऐसी पद्धति है जिससे हम ये लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस जो डायबिटीज़ के अनकंट्रोल रहने की वजह से आती हैं, इसको हम बैटल कर सकते हैं, इसको हम कॉम्बैट कर सकते हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जो पीड़ित हैं वो सामने आए, हमसे मिले, हमसे संपर्क करें, और हम उनको इसमें डेफिनेटली मदद करेंगे। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक क्या मैसेज पहुँचाना चाहेंगे डायबिटीज़ के बारे में? सतर्क रहें, इस तरह से फूड ना खाएं कि आपको डायबिटीज़ हो। यस, जैसे अभी सर ने बताया, हाई GI इंडेक्स, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ये फूड की एक वैल्यू होती है। जैसे आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो जिन भी GI इंडेक्स 70 से ऊपर है, जैसे कि वाइट फ्लोर, मैदा, या फिर जिनकी GI इंडेक्स 55 से 70 है, इनको भी मॉडरेशन में खाएं, और जिनकी GI इंडेक्स 70 से ऊपर है उनको तो बिल्कुल ही अवॉइड करना है जिनको डायबिटीज है। जिनकी GI इंडेक्स 55 से नीचे हैं वो सेफ फूड्स हैं, वो नॉर्मल लोग खा सकते हैं। सो मेरा नाम डॉक्टर पंकज है, वोकार्ड हॉस्पिटल मीरा रोड का मैं सेंटर हेड हूँ। सो बेसिकली डायबिटीज सर्जरी रिगार्डिंग तो डॉक्टर साहब ने सब बताया ही है, तो हमारे हॉस्पिटल में मीरा रोड पे ये सर्जरी हो रही है। इसके अलावा और भी हम जो हाई एंड सर्जरीज हैं, जैसे कि अगर आपने सुना हो TAVI, जिसको बोलते हैं TAVI, जो ट्रांस एओर्टिक वॉल्व रिप्लेसमेंट होता है कार्डियोलॉजी में,
वो भी एक हाई एंड प्रोसीजर है जो हम करते हैं। हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स भी करते हैं और बाकी जितनी बड़ी सर्जरीज हैं, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, उनको पूरा जो कैंसर के लिए ऑपरेट करना है या उनका जो स्पेशलिटी है, तो हमारे अलग अलग विद इन द हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट्स हैं स्पेशलाइज्ड जो कि उसको ट्रीट करते हैं। तो एक तरह से ऑल अंडर वन रूफ सारी फैसिलिटी अवेलेबल है हर तरह के डिजीज़ के लिए हमारे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए। और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचाएँ, क्योंकि हॉस्पिटल शायद मीरा रोड पर है, तो इसी वजह से लोगों को थोड़ा मे बी उसका एक्सेसिबिलिटी का इशू लगता होगा। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स है इस एरिया में, तो लोगों को जब ज़रूरत पड़े, ऑफ कोर्स हम नहीं चाहते कि कोई बीमार हो, तो इसका फ़ायदा उठाएं।